सुजानपुर ठेरा में वार्ड नंबर 6 की बेटी स्वाति मेहरा ने कोविड-19 महामारी के दौरान भोटा हॉस्पिटल में सेवाएं दी हैं, जिसके बाद 24 दिन के उपरांत घर वापस लौटी हैं, जिसके आगमन पर नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक मेहरा की अगुवाई में पार्षदों के साथ जोरदार स्वागत किया गया और फूल बरसाकर घर में आगमन भी किया गया। वहीं घर पहुंचते ही मात्र 4 साल की बेटी ने मां को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर प्रसन्नता जाहिर की है। उनके पति भी फार्मा कंपनी में कार्यरत हैं, जो विशेष रूप से अपनी पत्नी से मिलने के लिए बद्दी से सुजानपुर आए हुए हैं। इस अवसर पर तिलक राज कश्यप ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए भी सुजानपुर की बेटी ने काफी योगदान दिया है, जिसके लिए तहे दिल से सुजानपुर का हर बशिंदा इनका ऋणी रहेगा। आज मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे सुजानपुर की बेटी, हमारे वार्ड नंबर 6 की बेटी, जो राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत है, उसकी ड्यूटी जो हमारा कोविड-19 सेंटर केंद्र बनाया गया था भोटा के अंदर, 8 दिन अपनी सेवाएँ दे के वहाँ पर सुरक्षित रही। इसकी छोटी सी 4 साल की बेटी थी, उस बेटी की परवाह न करते हुए, इसको बेटी की याद तो आती थी, अब अभी बोल रही है कि बेटी की याद आती थी, मगर दूसरी तरफ ये कोरोना योद्धा बन के वहाँ पे जो लोग थे, जो संक्रमित लोग थे, उनकी सेवा की है, बड़े भाव से सेवा की है, बड़े प्रेम से सेवा की है, और इसका एक अलग से एक अनुभव रहा है। उसके बाद 8 दिन सेवाएं देने के बाद ये लड़की हमीर होटल 14 दिन के लिए क्वारंटीन की गई थी, आज 14 दिन पूरा क्वारंटीन वहाँ पे काट के आज लड़की ये सुजानपुर वार्ड नंबर 6 के अंदर, अब मैं सुजानपुरी होने के नाते पूरे गर्व महसूस मैं भी कर रहा हूँ कि हमारी बेटी एक कोरोना योद्धा बनके इसने पूरे अपने हिमाचल प्रदेश में, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी का, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का, आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वित्त राज्य एवं कारपोरेट मंत्री भारत सरकार श्री राव ठाकुर जी का, कि उनके अहम कर्मों से, उनके निष्ठावान कार्यों से आज हमारा जो पूरा भारत है, वो आज हमारे जो पूरे भारत के अंदर जो भी सरकार की स्कीमें चलाई गई हैं, उससे हमारे बहुत गरीब आदमी, हमारे जो संक्रमित लोग हैं, वो ठीक हुए हैं। तो आज मैं इस लड़की को, इस कोरोना योद्धा को हार्दिक मुबारकबाद देना चाहूँगा, इसको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा, इसका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो भी मेरे अपने सुजानपुर के लोग हैं, हमारे अध्यक्ष नगर परिषद सुजानपुर अशोक मेहरा जी, हमारी बहन उपाध्यक्ष नगर परिषद सुजानपुर कमलेश कुमारी जी, आज हमारे ये मनोनीत पार्षद डॉक्टर देशराज चौधरी जी, हमारी मोनिका चौधरी जी, हमारी यहाँ पे आंगनवाड़ी की जो वर्कर हैं, हमारी यहाँ पे आशा वर्कर रूपा जी हैं, मैं सब लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। इन लोगों ने हमारी यहाँ की महिला मंडल की प्रधान अनीता कुमारी जी, उनके सभी सदस्यों, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन लोगों ने जो एकजुटता का परिचय आज दिया है, अपनी बेटी को इतना मान सम्मान दिया है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वहीं स्वाति ने बताया कि वे स्टाफ नर्स पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिला है और पूरे स्वास्थ्य विभाग का भी धन्यवाद किया है कि वे हर चीज मुहैया करवाई जा रही है जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और मास्क लगाकर ही घरों से निकले, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। देखो, पहले तो हम गए वहां पे तो हमें डर भी लग रहा था, कैसे इनके पास जाएं हम। जब हम गए तो पेशेंट भी उधर 20-20 पेशेंट थे, मतलब 20-20 पेशेंट थे हमारे, मतलब गए, पहले डर भी लग रहा था, पर उनके बीच जाके हमें सब कुछ किया हमने, जाके मतलब हर सेवा दी अपनी जिससे वो ठीक हो जाए। हमने अच्छे किए, मतलब अच्छा अनुभव रहा हमारा, लगा तो था परिवार छोड़ के गए थे, पर फिर हो गया। बेटी की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरह किया गया, बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मतलब सब अच्छा था, सब सेफ्टी थी हमारी वहाँ पे, हर चीज़ हमें अच्छा रखा गया, हर चीज़ हमें देगी जो हमें सेफ्टी के लिए चाहिए थी।